दो दोस्त मिल गए हैं ये पीछे वाले, तो इनको भी टनल देखनी है। और अब आप सोचो यार, कभी किसी टाइम पे यहाँ पे दरबार सजता होगा, महफिलें लगती होंगी, डांस या कोई शाही फैमिली फंक्शन या कोई बड़े फंक्शन होते होंगे। मतलब यार, लुधियाना शहर के अंदर एक किला है और वो मुझे आज पता लगा है, क्योंकि यहाँ पर कोई आता ही नहीं है। ठीक है, मैं भी सोच रहा था जब मैंने इंटरनेट पर रिसर्च किया कि यहाँ पर कोई किला है, तो मैं शॉक्ड हो गया कि लुधियाना शहर के अंदर कोई किला है, वो भी महाराजा रणजीत सिंह ने जिसको कैप्चर किया था, और गवर्नमेंट उसकी देखभाल करती नहीं है बिल्कुल ही। है ना शॉकिंग। हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू अनदर व्लॉग। आज जहाँ मैं आया हूँ वो है लुधियाना का लोधी फोर्ट, और जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है लोधी फोर्ट और ये सारा इसका मेन स्ट्रक्चर है जो एंट्रेंस का है। और इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये आप देख सकते हो सारा का सारा एंट्रेंस पूरा एक टनल की तरह बनाया हुआ है। ये सारा एंट्रेंस है, और वो जो आप सामने रास्ता देख रहे हो वो सामने से रास्ता आता है इसका, जो मेन एंट्रेंस होता है। तो यहाँ से लोग आते होंगे और यहाँ से कुछ जाते होंगे राजा महाराजा। और इसका जो मेन गेट है ये आप देख सकते हो, यहाँ पड़ा एक, ये टूट गया है और एक ये मेरे पीछे लगा हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, मैं आपको बैक कैमरे से भी इसकी फुटेज दिखा देता हूँ। और तो ये कुछ व्यू है इसका मेन एंट्रेंस का। तो मोस्टली जो स्ट्रक्चर है वो डिमोलिश हो चुका है, यहाँ पर कोई देख रेख है नहीं। ऊपर का जो आप ये देखो व्यू देख सकते हो, यहाँ पर ये सारा व्यू है, सारा एक आर्च की शेप में बनाया ये। और यहाँ पर ये कुछ इलेक्ट्रिसिटी का इन्होंने बनाया हुआ, बेसिकली जो यहाँ पर एक एक्चुअली कॉलेज बन गया था अंदर बाद के अंदर, तो उसके लिए है। ये सारा मेन एंट्रेंस है इसका, ये गेट यहाँ पर एक पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं आगे। तो यार अभी मैं जा रहा हूँ अपनी यहाँ की टनल देखने, दो दोस्त मिल गए हैं ये पीछे वाले, तो इनको भी टनल देखनी है। तो मुझे पूछ रहे थे तो मैं कहता चला यार मुझे भी शूट करनी है, तो इनको भी दिखा देता हूँ। एक्चुअली मुझे उन प्रिंसिपल साहब ने दिखा दी थी, बट मैंने उस टाइम पे शूट नहीं की थी क्योंकि वो थोड़े जल्दी में थे, तो मैंने शूट नहीं की थी। अभी मैं जा रहा हूँ शूट करने, तो इनको भी दिखा देता हूँ साथ में। तो ये जो टनल मैं आपको दिखा रहा था, ये वाली टनल है भाई, बीच में चला गया अंदर। नीचे ना चला जी यार, नीचे नीचे नहीं जा रहा भाई। तो ये देख लो यार, यहाँ पर कुछ ये टनल है, ये टनल है, सीधी ये जाएगी आपको लेके फिरोजपुर, या ये जाती है फिरोजपुर या फिर ये फिलौर जाती है, ये मुझे पता नहीं है एक्चुअली। ठीक है, मैं गया नहीं क्योंकि अंदर, और जा भी नहीं सकते शायद, सांप सूप क्या पता नहीं क्या क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये टनल है, और ऐसी तीन टनल्स हैं यहाँ पे, एक ये हो गई, दो टनल्स और हैं वो मुझे पता नहीं, ढूंढनी पड़ेगी यहाँ पे। और ये जो आप सामने देख रहे हो ना, ये जो सारा एरिया ना, ये जो बिल्डिंग आपको वॉल दिख रही है, ये है एक्चुअली इसकी जो फोर्ट की वॉल नहीं होती यार, जो लास्ट में फोर्ट के बनी होती है, पूरे फोर्ट को कवर करती है, जैसे आपने राजस्थान के किसी फोर्ट में देखी होगी, ये वो वॉल है। और जो आप बीच में होल्स देख रहे हो ना, वो होल्स के अंदर से जैसे वो सैनिक खड़े होते थे तो भाले भूले मारते थे जो कोई ऊपर चढ़ रहा है, तो स्पेशली मतलब वो दुश्मन को रोकने के लिए होती थी, तो वो चीज़ है सारी। ठीक है, वहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ, और यहाँ से इसके बाद में चलते हैं उधर। तो अब इस टनल को देखने के बाद में मैं चलता हूँ उधर, आपको जो वॉल है वो दिखाता हूँ, जो इसकी लास्ट वॉल है फोर्ट की। और ये रास्ता है यहाँ का, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो पूरा शहर यहाँ से दिख जाएगा। और ये कुछ यहाँ पर भी रास्ता था जो इस फोर्ट के अंदर एंटर होने का रास्ता था, और ये है फोर्ट की वॉल। ठीक है, ठीक है, और इसके अंदर ये जो आप होल देख रहे हो, ये यूज़ होते थे, अभी तो इसमें कचरा भरा हुआ है, ये यूज़ होते थे जैसे कोई यहाँ पर सैनिक खड़े होते थे, वो अपने भाले वगैरह से रोकते थे दूसरे दुश्मनों को। ठीक है, तो वो चीज़ थी। यहाँ से भी आपको दिखा देता हूँ, सारी तरफ इंक्रोचमेंट हो चुकी है लगभग, ये देखो यहाँ पर भी घर बने हुए हैं। ठीक है, नीचे, और ये फोर्ट की वॉल है, देखो नीचे से अगर मैं
थोड़ा देखता हूँ ऊपर चढ़ के, गिर ना जाऊँ शायद। ये देखो फोर्ट की वॉल कितनी चौड़ी है, ठीक है, होगी कम से कम 15-20 फुट के करीब तो होगी, और वो लास्ट तक जाती है, बीच में थोड़ी बहुत टूटी हुई है, लास्ट तक जाती है, ठीक है। ये बिल्डिंग के स्ट्रक्चर जो है वो मतलब नए बने थे इंस्टीट्यूट के लिए, बाकी यहाँ पर और कुछ देखने के लिए नहीं है। वहाँ पर 4-5 लड़के खड़े हैं, वो नाम पूछ रहे हैं YouTube चैनल का, तो बताता हूँ उनको। तो यार ये जो आप मेरे सारा व्यू देख रहे हो, ये यहाँ का दरबार है एक्चुअली, ठीक है। और अब आप सोचो यार, कभी किसी टाइम पे यहाँ पे दरबार सजता होगा, महफिलें लगती होंगी, डांस या कोई शाही फैमिली फंक्शन या कोई बड़े फंक्शन होते होंगे, आप लगा लो महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पे या फिर सुल्तान लोदी के टाइम पे जिन्होंने इसको बनवाया था। तो और अब इसका हाल देखो क्या है, ठीक है, मतलब यार अब आप देखो यार कुदरत के रंग और टाइम कितना स्ट्रांग होता है। तो यार ये ना यहाँ पे कभी क्लासेस शुरू कर दी थी इन्होंने इसी स्ट्रक्चर के अंदर जो दरबार था उसकी पार्टीशन करके। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर, ये जैसे आपको बोर्ड दिख रहा होगा, तो इस बोर्ड पे पढ़ाई होती थी कभी यहाँ पे, वो भी चलो अब बंद हो गए, जमाने गए, वो भी यहाँ से जो भी इंस्टीट्यूट था वो प्रिंसिपल साहब बता रहे थे कि भी शिफ्ट हो गया। ये देखो यहाँ पर बोर्ड लगा है, ठीक है, बाकी वही है, सारा दरबार हुआ करता था, उसकी पार्टीशन शायद इन्होंने कर दी है। ये क्या लिखा हुआ है, ताज द्वारा माँ मीरा दे दीवे चल दे फकीरा दे, क्या बात है, ठीक है। बाकी ये देख लो आप, दिल दुल बने हुए, किसी को पसंद आए तो, आशिकी भी बहुत चलती है यहाँ पे। अभी बस यार देखता हूँ, एक दो शॉट और लेने हैं, देखता हूँ चीज़ें क्या क्या है और एक्सप्लोर करने के लिए, बाकी अब मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा कुछ बचा है, देखता हूँ, नहीं तो फिर वापस जाऊँगा। और जिन प्रिंसिपल साहब ने और दो और जने थे उनके साथ, उन्होंने मुझे इस जगह के बारे में काफ़ी कुछ बताया, तो यार उनका तो एक बार मिल के थैंक यू बोल के जाना पड़ेगा। तो बस इतना करूँगा, बाकी आज का व्लॉग यही था, देखते हैं एक दो चीज़ें और एक्सप्लोर करते हैं फिर चलेंगे वापस। अब ये जो आप देख रहे हो ना सारी कंस्ट्रक्शन, ये है पुरानी वाली, आप देख सकते हो आर्चेस वगैरह बनी हुई है इसके अंदर, पूरी प्रॉपरली डिफाइंड है वहाँ पर, ठीक है। तो ये रूम्स वगैरह अंदर बने हुए हैं, ठीक है, अंदर मैं जा नहीं रहा क्योंकि सारा कुछ ख़राब ही हो गया, ना फर्श है ना कुछ है, ये है, ठीक है। ये जैसे देखो आप आर्च वगैरह बनी हुई है सारा, मैं आपको लास्ट तक व्यू दिखाता हूँ, पूरी लास्ट तक जाती है ये, ठीक है। सामने इंस्टीट्यूट है कोई, पता नहीं ITI है क्या, टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट है, मुझे नहीं पता। मतलब यार लुधियाना शहर के अंदर एक किला है और वो मुझे आज पता लगा है, क्योंकि यहाँ पर कोई आता ही नहीं है, ठीक है। मैं भी सोच रहा था जब मैंने इंटरनेट पर रिसर्च किया कि यहाँ पर कोई किला है, तो मैं शॉक्ड हो गया कि लुधियाना शहर के अंदर कोई किला है, वो भी महाराजा रंजीत सिंह ने जिसको कैप्चर किया था, और गवर्नमेंट उसकी देखभाल करती नहीं है बिल्कुल ही, है ना शॉकिंग। इसके बाद में ये जो आप रास्ता देख रहे हो, इसके बाद में यहाँ से टॉप मोस्ट पॉइंट आता है यहाँ पर इधर आगे जाने से, और ये जो आप सारी कंस्ट्रक्शन देख रहे हो ये कोई पुरानी कंस्ट्रक्शन है, ये वेल है, और उधर तक वो लास्ट में आपको दिखेगी, वहाँ तक जा रही है, ठीक है। और ये सारा देखो आप, सारी घास फूस और ग्रीनरी, पेड़ पूड़, ये मतलब सारे यहाँ पर कुछ देखभाल तो है नहीं यार। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ये नई बनी है, ये किसी पर्पज़ के लिए बनाई होगी एक्चुअली। यहाँ पर क्या है कि वो सामने जो आप गाड़ी देख रहे हो ना, वो वहाँ पर ना एक ITI या कुछ इंस्टीट्यूट बना दिया टेक्सटाइल, तो इसी फोर्ट के अंदर, तो शायद उसी के लिए कोई बिल्डिंग वगैरह तैयार करवाई होगी ये वाली। और ठीक है, ये बिल्डिंग है, वैसे है तो ये भी ख़राब ही खज्जल खबार हो चुकी है, ठीक है, कुछ है नहीं यहाँ पे देखें। ये था आज का व्लॉग, वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अब चलते हैं, हैट्स ऑफ, बाय बाय।
on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my eyes.